मेहरबानो, अब शर्मा कुमार काफी दुखी व चिंतित हो जाता है। सोचता कि हे प्रभु, मैं यह पाप कैसे उतारूं? अपने माता पिता से पूछता है कि पिताश्री, आप दोनों की नेत्र ज्योति कैसे खत्म हुई है? तो कहने लगे कि बेटा, यह बात तो तुम दशरथ राजा के दरबार में मालूम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मामा भी लगते हैं। अब शर्मन कुमार राजा दशरथ के दरबार में जाते हैं तथा पता लगता है कि खुद के कान ही मेरे माता पिता अंधे हुए हैं, तो यह पाप कैसे उतार सकता हूँ? ऋषि मुनि कहने लगे कि बेटा, तू अपने माँ बाप को अपने कंधे पर कावड़ में बिठाकर उन्हें 68 तीर्थ दान कराओ तो यह पाप उतर सकता है। मेहरबानो, अब शरण कुमार अपने माता पिता से उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने की बात कहता है। वह कहते हैं कि बेटा, अगर तेरी यही इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं? एक बात के द्वारा शरण कुमार अपने माता पिता अंधों को क्या कहता है? हे रचरणा के मसीह से झुकाऊं, आचरणा के मसीह से झुकाऊं, पिताश्री मैं बुझा चाहूं, थारी दुनवा की सैर करवाऊं, तीर्थ 68 धाम की, तीर्थ 68 धाम की, चरणा के मसीह से झुकाऊं, पिताश्री मैं बुझा चाहूं, थारी दुनवा की सैर करवाऊं। भजन जगा तेरे किस्मत सोची, धर्म से बेल हरियल होती, घर और गांव की, घर और गांव की, चरणा के मसीह से झुकाऊं, पिताश्री मैं पूछा चाहूं, हरि दुनवा की सैर करवाऊं, 68 तीर्थ धाम की, 68 तीर्थ धाम की, चरणा के मसीह से झुकाऊं, पिताश्री मैं बुझा जाऊं, थारी दुनवा की सैर करवाऊं। कीमत हो से भक्ति घन की, ना होती जान की, ना होती जान की, चरणा के मसीह से झुकाऊं, पिताश्री मैं पूछा चाहूं, हरि दुनवा की सैर कराऊं। जाते पाप घटन ने, यज्ञ कराते पाप छटन ने, घड़ी शुभ काम की, घड़ी शुभ काम की, चरणा के मसीह से झुकाऊं, पिताश्री मैं बुझा चाहूं, थारी दुनवा की सैर करवाऊं।
पिता की टैल बजाई, कमल सिंह कहे महिमा गानी। गुरु धाम की चरणा के मासी से झुकाऊं, पिताश्री मैं पूछा जाऊं, हरिद्वार की से